शांति। आज प्यारे बाप दादा की साकार मधुर मुरली है 23 अक्टूबर 2023 की। बाप बार बार बच्चों को कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो, यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। फिर कहा, बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो, नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना। फिर कहा, बरोबर बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता है क्योंकि तकदीर में नहीं है। फिर विशेष कहा कि बाप टीचर सबको समान पढ़ाते हैं, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, पढ़ाई में आशीर्वाद व कृपा नहीं चल सकती। बाप के पास बच्चा आया तो मालिक ही बन जाता है, बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। बाकी हाँ, बच्चों को सुधारना वह टीचर का काम है, और टीचर कहेंगे पढ़ो, बाकी बाबा कहते हैं बेसमझ मनुष्य को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद ही है, उस पर चलना बच्चों का काम है। इसलिए गाया हुआ है श्रीमत भगवान वाच। और कहा, अभी अंतिम समय है, तो बाप कहते हैं अपना सब बैग बैगेज सतयुग में ट्रांसफर कर दो। तुम कहते हो, बाबा यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं, इसके बदले में बाबा हमें 21 जन्मों के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना, और साथ में कहा कि अभी और कोई गुरु आदि के मंत्र कोई काम में नहीं आने हैं, मैं तुमको जो कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय होगी। और कहा, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो अपार मिलता है, लेकिन सतयुग में साइंस सुख के लिए होती है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। आज बाबा ने मुरली से प्रश्न पूछा, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? उत्तर में बाबा ने कहा, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए, इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। आज मुरली में गीत बजा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भगत तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है ना, वह कोई दुख सहन नहीं कर सकता, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है कि जिस कारण दुख भोग रहे हैं, तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देते हैं, बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो यह पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी असुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा नशा भी दिला रहे हैं और स्मृति भी दिला रहे हैं कि तुम बहुत सुखी संपन्न आत्मा थी, पावन थी, श्रेष्ठ थी, ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, यह तो बना बनाया ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात, ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो,
परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर वन भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना। यह है वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सुलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बाबा कहे, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है? बाप कहते हैं, तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, बाहुबल तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं, उसी समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है, तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर पुरुषार्थ नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़े ही कहेंगे आशीर्वाद करो, पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं, यह तो मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाबा स्वमान दिला रहे हैं कि तुम तो बच्चे हो, बच्चे वर्षे के मालिक हैं, तो मालिक को मांगने की जरूरत नहीं है। अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ तो सर्व प्राप्तियां सामने है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, कृपा क्या करेंगे। गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही। बाबा ने क्लियर किया कि भगवान परमात्मा की आशीर्वाद क्या है, कि समझ देना, रास्ता दिखाना, यही उनकी आशीर्वाद है। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वह है ऊंचते ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होंगी ना। श्रीमद् से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितने मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े। बाबा कहते हैं, अगर पुरुषार्थ ढीला है तो लक्ष्य रखना है तीव्र पुरुषार्थ, तीखा पुरुषार्थ करने का। भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनाइस्टी में तो आ जाएंगे, उसमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां रहेंगी ना। फिर नंबर वार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबर वार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होंगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेंगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होंगी
तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, धर्मशाला खोली होंगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। बाबा कहते हैं जिसका भी दान करते हैं उसका पदम गुणा रिटर्न होके अगले जन्म में मिलता है। ये हुआ ईश्वर का इंश्योरेंस। तो यह इंश्योरेंस करना हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में एक का पदम गुणा मिलता है। तो जैसे बाबा ने कल भी कहा ना, एक तो जमा करना ही पड़ेगा। बाबा यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं, इसके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म लिए। बाप कहते हैं अपना बैग बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। ब्रह्मा बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, बाप शिव बाबा भी जानते हैं, यह दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाप शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बाप पढ़ाते हैं, हेवनली गॉड फादर वह बाप हैं, यह ब्रह्मा नहीं, यह है दादा। पहले ज़रूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। बाबा कहते मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय होंगी, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है, कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है, यह गॉडफादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से, मनुष्यों में यह ज्ञान थोड़े ही है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाए खाकर वापस जाएंगे। बल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसी को रोटी नहीं मिले, वहाँ सतयुग में ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसी को रोटी नहीं मिले, यहाँ जैसे गरीब वहाँ सतयुग में नहीं होते, सुख सबको रहता है। परंतु ऐसे नहीं समझना है, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, वह तो कमज़ोर हुए ना, पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। बाबा कहते हैं कमज़ोर संकल्प नहीं करना है, श्रेष्ठ ऊंचा संकल्प करना है कि हमें पूरा पूरा वर्षे के अधिकारी बनना है। यह निराकार भगवान वाच है, भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव, बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है, मुझे अपना शरीर ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना मुझे सदा शिव कहते हैं, शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़े आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अभी तो वह चीज़ बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है, अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है, सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ सतयुग में तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते, तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते।
बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते हैं या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब हैं, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना ज्ञान उठा नहीं सकते, गरीब साधारण ही यह ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना यह लॉ नहीं है। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। बाबा कहते हैं, ऊंच तकदीर पाने के लिए कोई स्टेटस नहीं है, पुरुषार्थ है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी हैं। वह तो कहते हैं, हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ पैसे आदि हैं, जिनके पास नहीं है नरक में है, उनको अपना ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। तुम्हारी है अब गॉडफादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर्स है जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं, यह बाप तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं, यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, अपना पुराना बैग बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है, इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। स्पष्टीकरण है, जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। बाबा ने स्व पर सहज अटेंशन रहे उसके लिए टाइटल दिया कि मास्टर शिक्षक बनो। सदैव यह स्मृति बनी रहे कि हम बड़े से बड़े कॉलेज में हैं, सब स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा दूसरों को पढ़ा रहे हैं। आज का स्लोगन है, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।